नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। पौधों को जानिए, यह हमारा पाठ चल रहा है जिसमें जो पौधे के विभिन्न हमने उसके पार्ट्स देखे, चाहे जड़ हो, तना हो, पत्ती हो, ये सबका हमने देखा कि किस प्रकार ये पौधे का एक जीवन बनाने में एक सहयोग देते हैं कि जो पत्तियां होती हैं वो भोजन बनाती हैं, जड़ पानी सॉइल से लेती है, और तना जो हमारा जल है और जो खनिज लवण है वो पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। उसमें अब इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम फूल की बात कर रहे हैं। फूल में का भी पौधे के अगर देखें तो उसकी एक साइकिल में वो भी एक अपना योगदान देता है। तो लेकिन वो कैसे योगदान देता है, और उसके जैसे हमने देखा जड़ विभिन्न प्रकार की होती हैं, हमने पत्ती में भी देखा कैसे उसके स्ट्रक्चर में हमने देखा कि वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो फूल में भी कुछ पार्ट्स होते हैं, उनके बारे में आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी बुक खोलते हैं और देखते हैं क्या हमें बताया गया है। चलिए आप लोग अपनी बुक खोलिए। तो बच्चों, आप लोगों ने खोल लिया। पुष्प के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। पुष्प या फूल बात एक ही है। तो ये जो हम बात कर रहे हैं तो इसमें आपको हम एक सबसे पहले बता रहे हैं कि पुष्प क्या होता है। ये एक जैसी पुष्प हम देखते हैं या किसी पौधे का फूल देखते हैं तब हम एकदम पहचान जाते हैं ये किस चीज का पौधा है, ये किस चीज का पेड़ है। तो ये एक सबसे पहले हमें पहचानने में बहुत एक आराम हो जाता है। तो जैसे आपको ये बताया गया, अगर आप ये चित्र देखें तो अगर आप पहला ये चित्र देखते हैं, ठीक है, जब आप ये पहला चित्र देखते हैं जो अभी मैंने मार्क करा है, तो इसमें आप देखिए कि अगर ये हमें सिर्फ एक ये टहनी देखने को मिले तब हम क्या पहचान सकते हैं ये कौन सा पौधा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, कि ये तो सूखी डंडियां हमें कितनी मिलती हैं। चलिए अब हम दूसरा पार्ट देखते हैं, ये वाला, ठीक है। अब इसको जब अगर हम जब देखते अब जो हम इसको देखते हैं, दूसरे को जो भी है इसको है, तो इसमें पत्ते हैं, पत्तियां हैं, और ये पत्तियां देखकर हम थोड़ा एक पहचान सकते हैं कि ये पत्तियां इस टाइप की, ये वाला पौधा, ये वाला कोई पेड़ या कुछ ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर हम कहें तो हम तब भी एक श्योर नहीं बोल पाते हैं कि किसका पौधा है ये, कौन सा, इसका नाम क्या है ना। जब हम उसके फूल देख लेते हैं, जब हम इसके फूल देख लेते हैं ये, तब हम एकदम पहचान लेते हैं कि ये जो है ये वाला एक हमारी पौधे, और ये किस चीज की है। अब जैसे हमने पढ़ा है कि घास का है कुछ, या ये विभिन्न प्रकार के हमारे पौधे मिलते हैं, और जो पेड़ होते हैं जो फल देते हैं उनमें भी फूल निकलते हैं, तो जो हम वो देखकर एकदम पहचान लेते हैं ये किसका हमारे सामने पौधा है। तो ये जो हमारा जो पुष्प है ये हमें एक पूरी शाखा के साथ जब हमें मिलता है तब हमें पता चलता है पौधे का नाम, और हम उसके बारे में जितना कुछ जानते हैं वो हमें एक ज्ञात हो जाता है। अब इसको आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि ये जो पुष्प होते हैं ये विभिन्न रंगों के हमें मिलते हैं। कोई बहुत चटकीले रंग के होते हैं, कोई हल्के रंग के होते हैं, कोई सफेद होते हैं। तो ये हमें एक बड़ा एक जब हम पुष्पों को देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, और इसीलिए घर पर भी हम लोग अपना तरह तरह के पुष्प के पेड़ पौधे लगाते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जो क्रियाकलाप है इसमें हम बात कर रहे हैं कि हमने एक पुष्प लिया है, क्योंकि अब हमें आज जो हमारा टॉपिक है उसमें उसकी संरचना कैसी होती है उसके बारे में समझना। तो इसमें जो आपके सामने उन्होंने फोटो दिखा के लिया है तो ये है कि एक गुलाब का, और इस गुलाब में देखिए यहाँ पे आपको दो चीजें दिखाई दे रही है, एक तो बाह्यदल और एक पंखुड़ी। अब इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। तो
जो आपका जब जैसे पुष्प के जो कली रूप में होता है तो बाहर की तरफ जो आपको एक हरे से रंग का दिखाई देता है, देखिए ये जो बाह्य दल दिखाया गया है, ये जो एक थोड़ा सा बाहर ज्यादातर हरे या भूरे रंग का होता है और वो एक हमें पत्ती रूमा उसमें शेप में दिखाई देता है, वो होता है बाह्य दल। और जो पंखड़ियां होती हैं जिसमें आप मतलब अगर हम कहें तो जो रंग बेरंगे आपको जो चीज दिखाई देती है, लाल रंग की, गुलाबी, पीली, अलग अलग विभिन्न रंग की जो दिखाई देती है, वो उस जो फूल होता है, जो पुष्प होता है, उसकी वो पंखुड़ियां कहते हैं। तो अब ये खिले हुए पुष्प का जो ये जो प्रमुख भाग कहा जाता है वो होता है पंखुड़ियां। तो ये इसका एक प्रमुख भाग माना जाता है। और ये जैसा मैंने अभी कहा था, ये विभिन्न रंगों की होती हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ये जो होता है आपका बाह्य दल की जब हम बात करते हैं, जो हमारे जो पंखड़ियों के बाहर का जो होता है इन्हें बाह्य दल कहते हैं। और ये जो पुष्प के बाह्य दल एवं पंखड़ियों का, यहाँ ये लाइन देखिए, इसमें जो मैं अभी आपको ये लाइन दिखा रही हूँ, बाह्य दल एवं पंखड़ियों का भली भांति अवलोकन करने पर हमें ये क्या थोड़े से ये जो निम्न प्रश्न है इनके बारे में हम सोचेंगे। तो यहाँ देखते हैं ये जो आपके बताया गया, तो जब हम ये बाह्य दल देखते हैं तो हम ये कुछ प्रश्नों के उत्तर देने में समर्थ होते हैं कि इसमें कितने बाह्य दल हैं, उनकी हम अगर सामने हमारे जो भी पुष्प होगा हम उसको काउंट करके बता सकते हैं, क्या ये आपस में जुड़े हैं अथवा स्वतंत्र हैं। तो ये बहुत से हमारे होते हैं जो बाहर एक हमें अंदर, जो अभी हमने गुलाब में देखा वो अलग अलग है लेकिन वो बहुत से चिपके हुए भी होते हैं, और तो हम देखकर एकदम बता सकते हैं। बाह्य दल एवं पंखुड़ियों किन रंगों की हैं ये हम बता सकते हैं, और जो उनके फूल के में पंखुड़ियों की संख्या कितनी है। तो कभी कभी तो हम बता सकते हैं बाहर से देखकर, लेकिन कभी जब हमारा बहुत खिला हुआ फूल होता है तो हम जब तक एक एक पंखुड़ी नहीं निकाले तब तक ये हमारे लिए बताना एक डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये भी हमारा डिपेंड करता है हमारे हाथ में कौन सा एक फूल है। तो यहाँ पे देखिए, ये इस सारणी में उन्होंने जैसे गुलाब की बात कर रहे हैं तो पंखुड़ियां क्या हैं, वो के रंग वो अनेक हो सकते हैं। तो हमारे हाथ में जो फूल होगा हम उसकी बात करेंगे कि वो पीला है, लाल है, गुलाबी है, कौन सा है। बाह्य दलों की संख्या गुलाब में जनरली जो होता है वो 5 होती है, और रंग उसका मोस्टली वो हरा होता है और किसी किसी में हमें भूरा भी मिलता है। पंखुड़ियां जुड़ी हैं अथवा स्वतंत्र, तो ये हम देखें कि ये सारी पंखुड़ियां जो है वो अलग अलग है, पृथक है। और पुंकेसर स्वतंत्र अथवा पंखुड़ी से जुड़े हुए हैं, तो ये जब हम पुंकेसर की और श्री केसर की बात करेंगे तब आपको इसके बारे में पता चलेगा। अभी जब हम पूरे एक जब पुष्प की संरचना पूरी समझ लेंगे तब हमें इसका और ज्यादा क्लियर होगा। और तो ये हम ये सारी जो हैं, तो जब हमारे हाथ में कोई फूल आता है, कोई पुष्प आता है, तब हम इसके बारे में और ज्यादा समझ सकते हैं। तो आपके हाथ में आप कोई भी पुष्प लीजिए और उसको एनालाइज करिए कि उसमें कितनी पंखुड़ियां हैं, बाह्य दल का कैसा स्ट्रक्चर है, जुड़े हुए कैसे हैं, वो आप उसको देखकर और ये लिख सकते हैं। तो बहुत अनेक पुष्प हैं, आप कोई भी पुष्प हाथ में लेकर ये कर सकते हैं। तो अब हम आगे जो देख रहे हैं उस पर अब हम देख जो डिटेल में बात करेंगे। तो बच्चों, आपको पहले मैं आगे चलने से पहले थोड़े से ये फूलों से और समझाना चाहती हूँ इन पिक्चर से। तो देखिए यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, ये एक बैंगन का फूल मैंने आपके सामने रखा, एक भिंडी का, एक सरसों का। इसमें देखिए आपका ये जो पंखुड़ियों की बात कर रहे हैं हम, तो देखिए पंखुड़ियां हमें अलग अलग दिखाई देती हैं, ये सारा एक हमें सब मिली हुई है। यहाँ पे देखिए ये जो पंखुड़ियां ये एक के ऊपर एक हैं,
देखा आपने भिंडी का फूल ऐसा होता है, तो यहाँ पे देख रहे हैं आप पंखड़ियों का जो एक अगर एक उसके स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो हमें एक डिफरेंट दिखाई दे रहा है। और ये सरसों का है, यहाँ पे देखिए ये एक इंडिपेंडेंट दिखाई दे रही है, स्वतंत्र दिखाई दे रही है, एक पंखड़ी ये है एक पंखड़ी ये है। और ये देखिए हम सामने गिन भी सकते हैं, तो जैसे यहाँ पे ये हमें चार दिखाई दे रही है, और जब हम भिंडी का देख रहे हैं तो 1 2 3 4 5 हमें पंखुड़ियां दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार आप कोई भी फूल हाथ में लेकर उनकी पंखुड़ियों की आप गिनती कर सकते हैं। फिर जो अभी एक बाह्य दल की बात कर रहे थे, तो देखिए ये होता है जो हम जब गुलाब के फूल का ही उदाहरण लेकर कह रहे हैं, जो ये जब कली पूरी खिल जाती है तो ये यहाँ पे नीचे दब जाता है, लेकिन यहाँ ये जो हरा है ये बाह्य दल कहलाता है, और ये जो लाल हमें दिखाई दे रहा है ये आपका पंखुड़ियां कहलाती है। तो ये मैं थोड़ा सा आपको ये पिक्चर की हेल्प से और से डिटेल में समझाना चाह रही थी। चलिए अब हम लोग फिर से अपना बुक खोलते हैं और थोड़ा सा आगे देखते हैं पुष्प के विभिन्न भागों को। अब जो हम लोग आगे चल रहे हैं तो उसमें हमें अब पुष्प के ये तो हमें बाहरी रूप दिखाई दे रहा है, लेकिन पुष्प के अंदर भी उसमें बहुत से अंग होते हैं जिनको अब हम समझने जा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर जैसे ये धतूरे का इन्होंने पुष्प दिखाया, ये घंटाकार पुष्प है और इसमें जो पंखुड़ियां ये लंबाई में कटकर वो अगर हम इनको लंबाई में काटें तो हमें उसका अंदर का पूरा एक अंदर का जो आंतरिक जो उसके पार्ट से वो हमें समझ में आएंगे। तो लंबा काटने का ये अर्थ है कि ये जो जैसे ये पंखड़ी है इसको हम हटा दें तो ये देखिए हमें कैसा दिखाई देगा। तो जब हम एक उसका जो हमारा पंखुड़ी है उसको हम पूरा हटा दें और जो हमारा बाह्य दल है उसको भी हटा दें तो हमें अंदर फूल के अंदर हमें दो उसके पहले मेन पार्ट्स दिखाई देते हैं, वो है पुंकेसर और स्त्रीकेसर। तो हमें ये दो दिखाई, तो ये जो आ गए ये पुंकेसर है और यहाँ जो ये नीचे की तरफ है ये स्त्रीकेसर। तो ये हमें पहले ये दो पार्ट्स देखने को मिल रहे हैं। अब हम इनको देखते हैं पुंकेसर को, और अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो पुंकेसर होते हैं उनका देखिए ऐसा स्ट्रक्चर आता है, और वो पुंकेसर में हमें तो उसके दो पार्ट्स हो जाते हैं। ये ऊपर का आ जाता है पराकोष, और ये जो इसका नीचे का ये जो एक लंबी हमें डंडी से दिखाई देती है ये होती है तंतु। तो पुंकेसर के दो पार्ट्स हो गए हैं, पराकोष और तंतु। और आप कोई भी जब आप फूल लेंगे और अगर उसके अंदर पुंकेसर है तो आप आराम से उसकी गिनती कर सकते हैं कि वो कितने हैं। तो ये आप एक फूल लेकर और फिर उसको गुड़हल का जो फूल होता है वो भी हाथ में अगर आप लेकर इसको देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर बहुत क्लियर दिखाई देता है। फिर आगे चलते हैं हम लोग और अब आते हैं हम स्त्री केसर पर। तो जो हमने अभी पुष्प के नीचे का यहाँ देखिए ये जो हमने पार्ट देखा था ना ये स्त्री केसर, इसको अब हम देखने जा रहे हैं। तो ये स्त्री केसर देखिए ये यहाँ से ये आ रहा है, ये पुंकेसर है और यहाँ ये मेरा आप सर्कल देखिए ये है स्त्री केसर। इसको अब हम अलग से देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए इसका ऐसा ही आपने उधर पुष्प में देखा था। स्त्री केसर के हमें तीन पार्ट मिलते हैं, ये आ गया अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। ठीक है, तो सबसे ऊपर का वर्तिकाग्र, ये वर्तिका और ये अंडाशय। और इस अंडाशय को अगर हम देखिए ये अगर हमने दो टाइप से काटा, एक तो सीधा करके ऐसे और एक हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे उन्होंने दिखाया है कि एक अनुदैर्ध्य काट है और एक अनुप्रस्थ काट है, ये अनुदैर्ध्य ये अनुप्रस्थ। तो जब हम इसको काटेंगे तब हमें इसके अंदर मिलेंगे बीजांड। तो ये सारे आप लोग के लिए नए नाम है, इन नामों को आप याद रखें।
ये जो अंदर जो हमें संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, ये बीजांड है। अंडाशय के आंतरिक भागों का जो ये नाम है, इनको आपको याद रखना पड़ेगा। और फिर अब हम कुछ ऐसी ही जितने पुष्प लेंगे उसमें हो सकता है हमें दोनों मिले, स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों मिले, या कुछ पुष्प ऐसे भी हैं जिसमें खाली स्त्री केसर मिलेगा और कुछ पुष्प ऐसे हैं जिसमें खाली पुंकेसर मिलेगा। तो ये जरूरी नहीं है कि हर पुष्प में हमें दोनों चीज मिले, या ऐसा भी नहीं है कि दोनों में से कुछ नहीं मिले, हमें हर पुष्प में एक ना एक पार्ट जरूर मिलेगा या दोनों मिलेंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो इसमें जो हमने देखा, और बहुत से आपको हो सके जो पुष्प हैं, अभी हमने बाह्य दल और पंखुड़ी की बात करी, किसी किसी में आपको ये मिले हुए भी मिलेंगे और किसी किसी में आपको ये सेपरेट मिलेंगे। तो जैसे कि इतने टाइप के पुष्प हैं, तो हर किसी का एक संरचना, एक स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। तो ये जो पुष्प की भी संरचना, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी सी स्लाइड में दिखाई, और वैसे आप भी जानते होंगे कि हर पुष्प की संरचना एक सी नहीं होती है, वो अलग अलग होती है। और विभिन्न पुष्पों में बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्री केसर की संख्या में भी अंतर होता है कि आपको पुंकेसर किसी में हो सकता 3 मिले, किसी में हो सकता 10 मिले, किसी में हो सकता है 2 मिले। तो आपका ये काउंटिंग भी आपको अलग अलग मिल सकती है। तो ये आपने देखा कि कैसे पुष्प के अंदर, जब हमने उसको एक काट के अंदर देखा, तो हमें उसके और बहुत से अंग देखने को मिले। तो अभी हो सकता है कि आपको ये सारे नए नाम हो, तो थोड़ा सा लर्न करने में डिफिकल्टी हो, तो मैं एक चार्ट दिखाती हूँ और उससे आपको और जल्दी याद हो जाएगा। तो बच्चों, आप जो अभी हमने समझा है उसको ऐसे चार्ट बना के आप याद कर लीजिए, ये आप नोट कर सकते हैं। तो पुष्प की संरचना में हम देखते हैं कि दो पार्ट होते हैं, पुंकेसर, स्त्री केसर। पुंकेसर के दो पार्ट हो गए, पराग कोश, तंतु, और स्त्री केसर के हमें 3 पार्ट मिले हैं, वर्तिका, वर्तिका और अंडाशय। तो ये आप अपने अगर नोट कर लेंगे तो आपको बहुत जल्दी याद होगा, क्योंकि आपसे प्रश्न ऐसे पूछे जा सकते हैं, वर्तिका किसका है, स्त्री केसर है या पुंकेसर का पार्ट है। तो ऐसे तो हम मतलब हम नाम आपको देंगे और पूछेंगे ये पुंकेसर का है या स्त्री केसर का है। तो आपको ये पूरा सीरीज याद रहेगी, तो आप किसी भी प्रकार का प्रश्न हो आप उसका उत्तर दे सकते हैं। तो बच्चों, आज हम लोगों ने ये जो सेशन था, ये इसमें पुष्प के बारे में पढ़ा, और हमें ये आज हमारा ये पार्ट भी खत्म हो गया। तो अब आपका काम है कि जितना आपने पढ़ा है उसको अच्छी तरीके से पढ़ें, रिवाइज करें। और जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर कोई भी चीज नहीं समझ में आई है, ऐप के थ्रू आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगी। और कभी कभी अगर एक चीज नहीं समझ में आ रही, फिर से आप सेशन देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें, तब वो हो सकता है तब आपको क्लियर हो जाए। और मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको बुक में भी मार्क करवाए। तो ये आज हमारा ये वाला पार्ट भी आज हम खत्म कर रहे हैं, लेकिन अभी जो इसके बाद के सेशन होंगे उसमें मैं थोड़े से इस पार्ट से रिलेटेड प्रश्न और उत्तर लूंगी। तो अगले सेशन में प्रश्न और उत्तर के साथ फिर मिलते हैं। बाय।